सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे यार, 2cc तो कर लिया यार, हमने परचेजिंग तो कर ली, बट उसके आगे क्या काम करना है। यानी कि जब हम परचेजिंग कर लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर, उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, हमें करना क्या होता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। सो फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं, हम आपको सिखाएंगे कैसे क्या करना है आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, हमें जो मेन है, जो बहुत ज़रूरी है, करनी है सरेंडर टू योर अपलाइन। पॉइंट नंबर ये फर्स्ट है हमारा। यानी कि जब आप अपनी परचेजिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, आपको ना अपने अपलाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है। आपका अपलाइन आपसे बोल रहा है ना कि ये जो फिंगर है ना, ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन ही दिखनी चाहिए आपको, कुछ और नहीं। ओके, उसके बाद आपका अपलाइन अगर आपसे कह रहा है कि मेरे साथ रहिए, आपको रात को 2 बजे जाना है, तो आपको 2 बजे जाना है। ओके, आपका अपलाइन आपको बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। इसका मतलब ये होता है सरेंडर टू योर अपलाइन, यानी कि जैसा आपका अपलाइन बोल रहा है उस तरीके से आपको करना है। पॉइंट नंबर 2 हमारा है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर नोन्स। यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है, जब हमें आगे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ना, तो उससे कैसे होगा वो एक्सपेंड, कैसे होएगा, पर्संस से ही ना। पर्संस कहाँ से मिलेंगे हमें, सिंपल, हमारे नोन से। तो नोन जो है हमारे, यानी कि जो जानकार हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं वॉर्म मार्केट। सो वॉर्म मार्केट क्या होती है, वो है जो हमारे जानकार हैं उनको हम वॉर्म मार्केट बोलते हैं। वो हमारे कजिन्स हो सकते हैं। अब हमें किस तरीके से लिस्ट बनानी है, हमारे कजिन्स हो गए, उनको इनविटेशन करना है। हमारे एक 12th का दोस्त रहता है, हाई स्कूल में जो फ्रेंड रहता है हमारा, ठीक है, उसको इनवाइट करना है। ओके, क्लासमेट्स हैं उनको इनवाइट करना है, जो आपके फेवरेट टीचर हैं उनको इनवाइट करना है। ओके, एंड एक आपका जो कज़न रहता है ना, जो सारी शादी में जो भी फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शन गैदरिंग्स होती हैं, उसमें आपके साथ रहता है, उसको ज़रूर बताना है, क्योंकि आज मैं भी उसी के बदौलत हूँ, मेरे को भी उसी बंदे ने सिर्फ बताया था। ओके, सो ये हो गया हमारा वॉर्म मार्केट। अब जो आपके नेबर्स हैं, ओके, उनको, तो मतलब जो भी आपके जानकार है ना, कोई पान की टपरी वाला है, वो आपका जानकार है, उसको बता सकते हैं आप। ऑलमोस्ट आपकी 100 से 150 की लिस्ट होनी चाहिए जब आप अपने नोन में इनविटेशन कर रहे हो। अब इनविटेशन कैसे करना है, ये भी बात है ना। अब इनविटेशन किस तरीके से करना है उनको, क्योंकि आप तो न्यू हैं, आपको ज़्यादा तरीका पता नहीं है, तो आप या तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इजीएस्ट मेथड है आपके लिए, बी अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर अपलाइन। सो अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बी अ ब्रिज, इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा अपलाइन है, और ये वो न्यू पर्सन है। अब हम क्या काम करेंगे, इनको इनसे मिला देंगे डायरेक्ट, के सर ये मेरे न्यू पर्सन हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, इनको बता दीजिए, ऐसे थोड़ी सी सर की हाइप क्रिएट करनी है, किस लेवल पर वो वर्क कर रहे हैं, उनका क्या इनकम है, और क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने की हैं, अगर आपके अपलाइन ने अचीवमेंट की हैं तो बता सकते हैं आप। ओके, जिससे कि वो बंदे को लगे कि हाँ यार, मैं किसी हस्ती से मिल रहा हूँ। हाइप कैसे क्रिएट करनी है, अगर वो आपको नहीं पता तो उसको भी कमेंट कर देना नीचे, हम वीडियो उस पर बना देंगे अलग से। दैट्स इट, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने ब्रिज का काम कर लिया, हमारा अप्लाई ने हैंडल कर दिया, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट पर हम बढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है बी अ गेम चेंजर एंड टेक मैक्सिमम नॉलेज। यानी कि हमें अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लीजिए मेरी एक शूज़ की शॉप है, ओके, अब अगर मेरे को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी कि यार ये शूज़ किस क्वालिटी का है एंड ये शूज़ कहाँ पर चलता है, तो क्या मैं उस शूज़ को सेल कर पाऊँगा, या फिर मैं उस शूज़ की शॉप को चला पाऊँगा, अ बिग नो। तो जितना जल्दी हो सकता है आप जो मेन क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ना, आप उनको टैकल कर यूट्यूब है आपके पास, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मान लीजिए आपसे इनविटेशन नहीं आता है, मेरी वीडियो चेक कर सकते हो आप। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है, पापा मना कर रहे हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, हाथों हाथ यूट्यूब पर देखिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया है मेरे को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऑल द बेस्ट।